हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो आज हम आपके क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर जो है, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, एज यूजुअल यही है कि चैप्टर के नेम को पहले समझ लो, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, चैप्टर के नेम को समझ लो, लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इज दैट कि अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो यू कैन जस्ट स्पीड इट अप 1.5x पे देख लीजिए, और अगर आपको फास्ट लग रहा है तो उसे 0.5x पे स्लो करके भी देख सकते हो। जस्ट डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस, ठीक है। आपकी अपनी जो समझ है, जैसे भी होता है आपके लिए कन्वीनियंस, वैसे कीजिएगा। ओके, डन। सो कमिंग बैक टू दिस, पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर इज अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज। नाम से आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता चला तो आई एम हियर। ओके, या लीनियर का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, आपने अपने बहुत ही लोअर क्लासेस में सीखा है कि लीनियर का सीधा सा मतलब इतना होता है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें जो अननोन एक्स है हमारे पास, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, दैट इज लीनियर। और अगर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, 3 हुई तो क्यूबिक, 4 हुई तो बाइक्वाड्रेटिक, 5 हुई या उससे ज़्यादा होते गए तो पॉलीनोमियल, है ना। तो लीनियर का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा आप इक्वेशन ले लो, आपने जो बचपन में सीखा वो यही है ना कि अब अगर मैं कह दूं कि लीनियर इक्वेशन तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इज इट ए लीनियर इक्वेशन? यस फॉर श्योर। क्यों? एक्स की डिग्री क्या है? 1। एक्स के सर के ऊपर कितना पावर है? सिंपल। और अगर मैं यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, बट दिस इज नॉट लीनियर। क्यों? एक्स के ऊपर जो पावर है वो है 2, राइट। सो आपको किसी भी तरह से किसी भी इक्वेशन को लीनियर कहना है तो वहां जो अननोन है उसके ऊपर डिग्री 1 होनी चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या है कि पावर 1 होनी चाहिए, ये समझ गए आप। नाउ कमिंग टू इनइक्वालिटीज, अब इतनी देर जो हमने देखा है वो है इक्वेशंस, इक्वेशन यानी कि ये इनइक्वालिटी, यानी कि क्या है वो जो कि इक्वेशन नहीं है। और अगर कोई चीज़ इक्वेशन नहीं है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं वो इक्वेशन नहीं है, तो वो इनइक्वालिटी होता है। वो कैसे? पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये सिंबल्स हो, जैसे कि नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये सिंबल्स में से कोई भी सिंबल हो, यानी कि इक्वल सिंबल को छोड़ के इन 5 सिंबल में से कोई भी सिंबल होता है, तो फॉर दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसे क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। कोई भी ऐसा इक्वेशन आप देखते हो ना, तो उसमें इक्वेशन कब बोलते हो? जब इक्वल साइन होता है। और अगर इक्वल साइन नहीं है फिर भी हम कुछ बता रहे हैं यहाँ पे रिलेशन, तो डेफिनेटली या तो नॉट इक्वल टू होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन और इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, राइट। सो लीनियर इनइक्वालिटीज इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें एक्स की डिग्री 1 होगी, राइट, और हर कहीं हमें इनइक्वालिटीज ही मिलेंगे। ये है चैप्टर का जिस्ट, समझ गए? आई होप यू हैव गॉट इट, और नहीं भी समझे हो तो आगे जाते जाते समझ जाओगे, डन। सो इतने सिंबल्स को आपको याद रखना होगा, और इसमें पर्टिकुलरली आपको लेस देन ग्रेटर देन, अगर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, एज आई डील इन कॉलेज इटसेल्फ, तो हमारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि वो लेस देन सिंबल को नहीं पहचान पाते कुछ लोग, तो आई टेल यू सिंपल थिंग, लेस यानी कि एल से शुरू होता है, राइट। सो लेस एल से लिखते हो, और लेस देन सिंबल भी ऐसा ही होता है, सिंपल। और अगर एक याद रह गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे याद रह ही जाएंगे, राइट। लेस देन ग्रेटर देन डेफिनेटली ऐसे होगा, लेस देन अगर एल ऐसे लिखते हो तो दिस इज इट, एल फॉर लेस, और ये सिंबल भी ऐसा। एंड लेस देन इक्वल टू तो बहुत सिंपल है, नीचे इज इक्वल टू का सिंबल डाल दो, दिस इज नथिंग बट आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन प्लस इक्वल्स टू, ये दोनों सिंबल को कंबाइन करके ये सिंबल लिखा जाता है। ओके, दिस आर द बेसिक थिंग्स, वो एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है, नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, आपकी ये जो सिंबल्स है लेस देन और ग्रेटर देन, इन्हें एक नाम से पुकारा जाता है। ओके, ये इनइक्वालिटी है ऑफ कोर्स, बट ये स्ट्रिक्टली बता रही है कि कोई नंबर किसी और नंबर से लेस देन है तो है, दैट्स इट, नो डाउट इन इट। और यहाँ पे देखिए, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको स्ट्रिक्टली नहीं बता रहे हैं
ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू सिंबल का मतलब क्या है, या तो लेस देन हो सकती है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से, या तो लेस हो सकती है छोटी हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। सो ये स्ट्रिक्टली नहीं बता रहे, ये स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि लेस देन ही है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से छोटी ही है। टू इज लेस देन फोर मीन्स फोर, दैट्स इट, लेस देन मतलब लेस देन। तो ऐसे सिंबल्स, ये दोनों इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। और ये जो है लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, इन्हें हम कहते हैं स्लैक, स्लैक इन इक्वालिटीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, बट कॉम्पिटेटिव लेवल पे आपको स्लैक वेरिएबल और स्ट्रिक्ट वेरिएबल ऐसे सब देते हैं वर्ड्स को, बट आपको पता होना चाहिए स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट, स्लैक मतलब कि इज इक्वल टू सिंबल भी आता है, राइट। सो दैट यू शुड रिमेंबर, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट लीनियर इनइक्वालिटीज में। लीनियर मतलब कि क्या है, डिग्री एक होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज यानी इज इक्वल टू इक्वल्स जो सिंबल है ना, इज इक्वल टू ये सिंबल छोड़ के कोई भी सिंबल्स, वो कोई भी सिंबल्स मतलब कौन से है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इनमें से कोई भी सिंबल है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, तो दैट पर्टिकुलर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट दैट इज ए इनइक्वालिटी, और उसमें पर्टिकुलरली एक्स की डिग्री एक हो जाए तो दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। और उसमें से ये जो इनइक्वालिटीज है जिनमें ये सिंबल होते हैं लेस देन और ग्रेटर, दे आर द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और जिनमें लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वलिटी होता है वो है स्लैक इनइक्वालिटीज, एस एल ए सी के, ओके। दिस इज वन कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ है आपको कैजुअली पता होनी चाहिए, वो भी कि आप इनइक्वालिटीज को जब सॉल्व करते हो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, तो आप जब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो तो हम उन्हें इक्वल्स टू जो होता है उसी तरह ट्रीट करते हैं। मतलब आपने बेसिकली सीखा है कि अगर मैं आपसे कह दूं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट एक्स प्लस वाई, समझो ऐसा है, और अगर मैं आपसे कह दूं प्लस टू जो है उसे आप इज इक्वल टू के दूसरे साइड में, ठीक है, यानी राइट साइड में यहाँ पे है ना, तो शिफ्ट कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए, तो आप कैसे लिखोगे उसे, x इज इक्वल टू एट एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जब आएगा तो माइनस टू, और अगर इसी जगह पे इफ़ आई राइट माइनस टू फिर आपको शिफ्ट करने को बता दूँ तो यू हैव टू राइट माइनस टू ये तरफ आए तो प्लस टू। ये छोटे रूल्स है, बहुत ही बेसिक रूल्स है, बट आपको पता होने चाहिए कि कोई भी वैल्यू प्लस होती है वो इक्वल्स के दूसरे साइड जाए तो माइनस हो जाती है, और कोई भी वैल्यू माइनस होती है उसे हम इक्वल्स के दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस सिंबल करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिमिलरली इनटू है तो वो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है तो वो इनटू हो जाएगा। ये सारी बेसिक्स है, अगर आप जानते हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके वॉच कर लो, और जो नहीं जानते हैं आई विल बी ग्रेटफुल कि अगर ये आपको हेल्प हो रही है, ठीक है। सो ये देखिए, इसका हम बता देते हैं, अभी सपोज आई टेल यू एट एक्स इज इक्वल टू 16, नाउ इफ आई टेल यू 8 को दूसरी साइड शिफ्ट कीजिए, ये ध्यान से सुनिए क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त हम फास्ट से करेंगे, मैं डायरेक्टली कर दूंगी कि 8x 8 को इस तरफ भेज दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा, आई टेल यू डायरेक्टली, और इसीलिए उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। 8x है इनटू अगर इक्वल्स के वो साइड दूसरे साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 8x इज नथिंग बट 8 इनटू x है यहाँ पे, दैट इज़ वाई x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8 होगा, फिर आप करते जाओ 8 1 साइड 2 साइड एक्स इज इक्वल टू 2 वगैरह, दैट इज़ नॉट अवर केस, हमारा सिर्फ ये समझना है कि इनटू और डिवीजन कैसे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, इफ़ आई टेल यू देर इज एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2, कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इक्वेशन, एंड नाउ आई टेल यू 4 को इक्वेशन की ये साइड शिफ्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे, 4 को ले जाके क्या लिखोगे, प्लस 4 लिखोगे, माइनस 4 लिखोगे, इनटू 4 लिखोगे, या डिवीजन बाई 4 लिखोगे, डिवाइड बाई 4 लिखोगे, यू हैव टू सी इट, ये 4 कहाँ है, डिवाइडेड बाई सिंबल में, सो डिविजन इक्वल्स के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन टू, राइट। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4 होगा, ना कि 2 प्लस 4, ये नहीं होगा, रॉन्ग है, राइट, 2 इंटू 4 हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं आपको याद रखनी, फिर आप सॉल्व करते जाओगे इनइक्वालिटीज हो ईजिली करोगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी चाहिए, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गए। और फिर क्या था, प्लस
माइनस इंटू डिविजन बाय, प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस होगा, इंटू हो तो डिविजन होगा, डिविजन हो तो इंटू हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। सो ये एक थी, और एक बेसिक चीज़ है नंबर लाइन, वो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ही समझा दूंगी, दैट विल बी गुड फॉर यू, या फिर एक काम करते हैं अभी समझ लेते हैं, ठीक है। सो नंबर लाइन कॉन्सेप्ट आप सब लोग जानते ही है, सो वॉट इज नंबर लाइन एक्चुअली, नंबर लाइन आपने बेसिकली अपने क्लास 1-2 में भी सीख लिया होगा ऑलरेडी, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन आप नंबर लाइन से ही तो सीखते हो पहले, है ना। सो व्हाट इज नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब देखो जिसमें रियल नंबर्स है, उन रियल नंबर्स को हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, -1, -2 एंड सो ऑन, लेट इट बी, ओके। सो ये नंबर लाइन है, इसमें जो दिख रहे हैं 0, 1, 2, -1, -2 सिर्फ इतने नंबर्स नहीं होते हैं, राइट। यहाँ बीच में है 0.5 है, यहाँ बीच में है 0.1 है, 0 और 0.1 के बीच में है 0.001 है, ठीक है। सो सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, दिस इज ए रियल नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो रियल नंबर लाइन लिख लो। सो ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है, सिंपल है। आपको इतना बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए कि नंबर्स जब राइट साइड हम गिनते जाते हैं या देखते जाएंगे, देखो 0 है, 1 है, 2 है, तो राइट साइड जैसे जैसे नंबर्स जाएंगे, राइट साइड हमें हमेशा नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। लेफ्ट साइड जब हम जाएंगे तो नंबर सारे डिक्रीज होंगे, मींस ये जो नंबर की बनावट है, जो अरेंजमेंट है, वो कुछ इस तरह है कि राइट साइड जाते वक्त ये क्या है, इंक्रीजिंग है, लेफ्ट साइड जाते वक्त ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। नाउ इफ आई टेल यू, यहाँ पे -3 है, समझिए, ठीक है। तो -3 और -2 में से कौन सा बड़ा है, इफ़ आई आस्क यू, -3 और -2 दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, जस्ट थिंक फॉर ए वाइल। मैंने अभी आपको समझाया है कि राइट साइड जाते हुए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि -3 के बाद -2 आ रहा है ना, राइट, ये ऐसे राइट साइड, यानी -2 बड़ा हुआ, -3 छोटा है, राइट। सो -3 और -2 में कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली -2 बड़ा है, ओके। सो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, राइट। सो -3 इज लेस देन -2, और उसी तरह से अगर मैं कह दूं -30 और -10 कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली -10, क्यों, राइट साइड कौन सा आ रहा है पहले आप देखो। ऐसे जब आप नंबर्स जाओगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ कहीं -10 आएगा, और पीछे ऐसे ही लेफ्ट जाते रहोगे तो यहाँ कहीं -30, जबकि राइट साइड में कौन सा है पहले, -10 है, तो -10 बड़ा होगा, देयरफॉर -30 इज लेस देन -10। ये कंसेप्ट भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है। सो ये बेसिक, और बाकी के पॉजिटिव नंबर्स में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 2 और 3 में बता दूँ तो कौन सा छोटा है, डेफिनेटली 2 इज लेस देन 3। इफ आई टेल यू 20 एंड 30, 20 इज लेस देन 30। ये पॉजिटिव नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव नंबर्स में आपको पता होना चाहिए कि जो भी नंबर राइट साइड में है, नंबर लाइन के राइट साइड में आ रहा है, वो बड़ा होगा। अगर दूसरा नंबर उसके पीछे आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो दैट विल बी स्मॉलर नंबर, ओके। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक्स इज ए रियल नंबर, ठीक है, कोई रियल नंबर है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी डाल दो, रियल नंबर डालना है आपको, 5.5 डालो, 7.2 डालो, 7.7 डालो, 7 डालो, 10 डालो, 30 डालो, 71 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, कुछ भी डालो, बट एक्स इज ए वेरिएबल एंड दैट इज ए रियल नंबर, ठीक है। और नाउ आई एम टेलिंग यू वन कंडीशन, एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब आप मुझे बताइए, एक्स इज ग्रेटर देन 2 यानी कि नंबर लाइन में कौन से ऐसे नंबर्स है जो मैं एक्स की जगह पे डाल सकती हूँ, कौन से ऐसे नंबर है जो एक्स ग्रेटर देन 2 यानी कि एक्स की जगह पे मैं डाल सकूँ, 2 से बड़े होने चाहिए, राइट। इसका मीनिंग ये है कि एक्स की ऐसी वैल्यूज जो 2 से बड़ी है, 2 कहाँ पे है, देखिए -2, ये रहा 2, राइट। सो 2 से बड़े वैल्यूज, 2 से बड़े यानी कि यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लो यार, 2.1 ले लो, 2.00001 ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं आपको यही सवाल कह दूं कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है कि अब तक जो हम एक्स की जगह पे 2 से बड़े नंबर डाल रहे थे, उसके साथ में एक और कंडीशन ऐड हो गई है कि 2 को भी हम एक्स इज इक्वल टू 2 वाला कंडीशन भी कंसिडर कर सकते हैं, गॉट इट। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में यही चीज़ होती है कि
ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 को इंक्लूड करना है. नाउ दैट इसी चीज़ को अगर मैं आपको कह दूँ कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, जो कि आपने बेशक सेट्स चैप्टर में सीखा है, राइट? या आई रिमेम्बर सेट्स चैप्टर में आपने ये सारी चीज़ें सीखी है. सो आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे 0, 1, 2. यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा करोगे और इस तरफ डार्क एरो. सो ये सारी वैल्यू क्या है? एक्स ग्रेटर देन 2, राइट? एक्स ग्रेटर देन 2. और अगर आपसे कही जाए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो उसे आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत ही सिंपल है ये सारी चीजें विद दिस, ठीक है? तो इज इक्वल टू सिंबल जब आता है तो आपको सॉलिड सर्कल बनाना है, और सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज आ रही है तो आपको क्या बनाना है? हॉलो सर्कल बनाना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? और इतने नॉलेज के बेस पे वी कैन एक्चुअली सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज. सो लेट अस जस्ट बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है? और अगर आपको क्लास स्लो लग रही है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच इट एट द स्पीड ऑफ 1.5 और इवन 2x इफ यू आर वेरी फास्ट इन कैचिंग अप द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? सो एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर, राइट? सो फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 6.1, सॉरी 6th चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1. तो लेट अस सॉल्व दैट. लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक फॉर दिस. ओके, या दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. डन. देखिए पहले सवाल को समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. या डन. सो 6.1 सॉल्व. जहां भी आपको मैथमेटिक्स में सॉल्व मिल रहा है उसका सीधा सा मतलब सिर्फ ये है कि अननोन जहां भी है उसको सॉल्व करना है, मतलब अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ कमिंग टू 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर. यानी कि आपको एक कंडीशन दी गई है, दैट कंडीशन इज 24x इज लेस देन 100, ठीक है? अब आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी व्हेन वन कंडीशन क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, सेकेंड कंडीशन क्या है, x इज एन इंटीजर, ठीक है? z और n से रिप्रेजेंट करते हो आप, राइट? सो ये हो गई. नाउ 24x लेस देन कैसे सॉल्व करोगे? आई टोल्ड यू इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हम यूजुअली इनइक्वालिटी सिंबल को इग्नोर करके उसे इज इक्वल टू ही ट्रीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो 24x, अब 24 क्या है, इनटू है, यहाँ पे इनटू है यानी कि आई टोल्ड यू प्लस है तो माइनस होगा, इनटू है तो डिवीजन, डिवीजन है तो इनटू, माइनस है तो प्लस है, ऐसे होता है इज इक्वल टू में शिफ्ट होने वाले, ठीक है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स. नाउ x लेस देन 100 है. नाउ 24 को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूं तो व्हाट विल आई राइट, ये इनटू है तो ये तरफ जाएगा तो डिवाइडेड बाई होगा. नाउ x लेस देन, अगर आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो यू यूज कैलकुलेटर एंड दैट विल बी गुड फॉर यू, राइट? सो 24x लेस देन 100 जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है? सो 4 पॉइंट फिर बचेगा 1, सो 4.1 आएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आप इतना समझ सकते हो इससे, है ना, कि क्या समझ सकते हो, यू कैन लिटरली अंडरस्टैंड दैट एक्स लेस देन 4.1, एक्स लेस देन 4.1 यानी कि एक्स की वो सारी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है जो 4.1 से छोटी होनी चाहिए. नाउ यहाँ पे आपको एक कंडीशन ये दिया गया है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है. अब आप बताइए नेचुरल नंबर्स मतलब कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, ये जो काउंटिंग नंबर्स है ये नेचुरल नंबर्स है, राइट? इसमें से वो वैल्यूज, वो नेचुरल नंबर जो 4.1 से कम है, यानी कि ये सारी वैल्यूज आएगी, राइट? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ये सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी. नाउ कमिंग टू सेकेंड इन सेकेंड क्वेश्चन, वो क्या है, सेकेंड बिट क्या है आपका, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं, वो सारे नेगेटिव नंबर्स भी मिला देते हैं ना,
माइनस इन्फिनिटी ले लो, फिर सो ऑन सो ऑन, माइनस थ्री ले लो, माइनस टू ले लो, माइनस वन ले लो, ज़ीरो ले लो, वन टू थ्री, और ऐसे ही जाते जाते प्लस इन्फिनिटी, राइट। सो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में काउंट होते हैं, डन। सो अब यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, सो ये एक्स लेस देन 4.1 यानी कि यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ से पूरे सारे के सारे वैल्यूज क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर ये एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर्स भी मिला लिए जाते हैं। आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं। इफ़ यू डोंट नो, आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, डन। ठीक है, माइनस थ्री, माइनस टू, ये सारे हो गए, तो ये हो गए आंसर। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइनस ट्वेल्व एक्स इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस ट्वेल्व एक्स है, कैसे सॉल्व करोगे, ये एक्स ग्रेटर देन 30, ये प्रोडक्ट है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिविजन होगा। बट क्या ये सही है, क्वेश्चन यही है कि क्या ये सही है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ को जब आप सॉल्व करते रहते हो तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल एज इट इज़ कब रहता है और कब रिवर्स हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम विथ एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पहले आपको सिचुएशन बता देती हूँ, ठीक है, पहले मैं नोट पॉइंट बता ही देती हूँ कि वो क्या है। जब भी आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ओके, विथ अ पॉजिटिव नंबर, मतलब इनइक्वालिटी के दोनों साइड में जब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर से एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है, ये जो सिंबल रहेगा, यहाँ लेस देन हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है। उन चारों में से वो जो भी सिंबल होगा वो एज इट इज रहेगा, सिंबल रिमेन्स सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड में, ध्यान से सुनिए, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाता है। ये आपको समझ आया होगा, बट विथ एग्जांपल बहुत ज्यादा क्लियर से समझ आएगा। लेट अस सी, नाउ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ, सपोज आई टेल यू 10 इज लेस देन 20, ठीक है, करेक्ट है ना, 10 20 से छोटा है। नाउ ये जो साइन है ना, ये सेम रहता है करके आई टोल्ड यू, राइट। सो हम क्या करते हैं, ये सारी ऑपरेशंस को ट्राई करते हैं। पहले आप दोनों साइड में ऐड करो कोई एक नंबर, सपोज 10 प्लस 1 ऐड कर लो, 20 प्लस 1, दोनों साइड में मैंने एक नंबर ऐड किया, ऐड प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, तो आपको क्या मिला, 11 लेस देन 21। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा ना, क्यों, क्योंकि 11 21 से छोटा है, नॉट एन इश्यू। नाउ सेम 10 लेस देन 20 में चलो एक माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। 10 माइनस 1 9 होता है, 20 माइनस 1 कितना होता है, 19, 9 फिर भी छोटा है 19 से, देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया फिर भी सिंबल रिमेन्स द सेम। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई, 10 इंटू 1 तो कोई काम का नहीं हुआ, इंटू 2 कर लो, 20 इंटू 2, ठीक है, सो 10 टू जा 20, 20 इंटू 2 40, फिर भी छोटा ही है, इनइक्वालिटी सिंबल फिर भी सेम रहा, कब, जब मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, एक पॉजिटिव नंबर से। नाउ डिवाइड कर लो, 10 लेस देन 20 है, डिवाइड बाय 1 तो नहीं कर सकते हो, फिर वो सेम आंसर आएगा, सो डिवाइड बाय 2 कर लो, 2 वन जा 2 फाइव जा, क्या रहा यहाँ पे, 5 लेस देन 2 वन जा 2 टेन जा, लेस देन ही है ना, सेम सिंबल रह गया। सो दिस, ये हमने वेरीफाई कर लिया एग्जाम्पल के साथ में कि आप अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन करते हो तो वो सिंबल जो इनइक्वालिटी का है वो एज इट इज कैरी हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव नंबर तो वो साइन रिवर्स होता है जब हम इनटू और डिवीजन करते हैं। याद रखिए, आप आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो नेगेटिव नंबर से प्लस या माइनस करते तो,
प्लस या माइनस करने पे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है, सिर्फ इनटू या डिवाइड करने से, वो भी नेगेटिव नंबर से, तभी साइन रिवर्स होता है. लेट अस चेक द सेम थिंग. 10 लेस देन 20 है हमारे पास. नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय एनी नेगेटिव नंबर. चलो 2 को ही ले लो, 2 की जगह पे -2 ले लो, नेगेटिव नंबर, ठीक है, -2. अब मल्टीप्लाई 10 टू जा 20 माइनस साइन एज इट इज, 20 टू जा 40 माइनस साइन. अब बताओ -20 -40 में कौन सा बड़ा है? आई टोल्ड यू ऑलरेडी नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जब मैं बता रही थी, आई टोल्ड यू 20 और 40 में 40 बड़ा है, लेकिन -20 और -40 में कौन सा बड़ा होता है? -20 बड़ा होता है. ओके, नंबर लाइन पे आप देख लो ना, नंबर लाइन जब आप ड्रा करोगे तो -20 यहाँ आएगा, फिर लेफ्ट जाते जाते -21 -22 यहाँ कहीं -40 आ जाएगा आपका, राइट. सो राइट साइड नंबर आर इंक्रीजिंग, सो -20 बड़ा है, डन. सो -20 इज ग्रेटर देन, यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल क्या था? लेस देन. जबकि हमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो गया? चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, विद लाइव एग्जांपल है. नेक्स्ट 10 लेस देन 20 है. अब हम क्या करेंगे? डिवाइड भाई है नेगेटिव नंबर, सीधी सी बात है, -2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, -2 से डिवाइड कर लो. जब आप -2 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? या देखो 2 1 2 5 विथ माइनस साइन. नेक्स्ट 2 1 2 10 -10. अब आप बताइए -5 और -10 में कौन सा बड़ा है? -5 और -10 में कौन सा बड़ा है? सिंपल सी बात है, -10 जो होगा वो बहुत ही लेफ्ट साइड में होगा, -5 पहले आएगा, उसके बाद -6 -7 वो लेफ्ट में, फिर ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, देयरफॉर सिंबल क्या होगा? देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया. देयरफॉर जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा. गॉट इट? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको नोट पॉइंट हाईलाइट करके रख लो कि वेन एवर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड और एड और सब्ट्रैक्ट विद अ पॉजिटिव नंबर, दिस इनइक्वालिटी सिंबल रिमेन्स द सेम, एंड वेन यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अ नेगेटिव नंबर द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड. ठीक है, ये याद रखना है. सो इस बेस पे चलो कंटिन्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? -12x ग्रेटर देन 30. ठीक है, सेम सिचुएशन है. क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर. ठीक है, x नेचुरल नंबर भी है, x इंटीजर भी है. चलो अब क्या करना है? हमें सिर्फ x चाहिए लेफ्ट साइड में. आई टोल्ड यू x -12 को वो तरफ भेज दो, विच इज नथिंग बट डिवाइड द होल इनइक्वालिटी. ये जो -12x ग्रेटर देन 30 है ना, सो डिवाइड दिस होल इनइक्वालिटी बाई -12, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा -12 और -12 से. सिंपल, जब आप नेगेटिव नंबर से डिवीजन करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है. यस और नो? अभी हमने एग्जांपल से देखा था, सो देयरफॉर यस. तो ये सिंबल चेंज कर दो, -12 -12 कैंसिल हो जाता है तो एक्स होता है, एंड 12 1 12 2 विथ माइनस साइन रखो, 12 1 12 2 एंड फिर कितना बचेगा? 12 2 24, फिर 6 बचेंगे, 12 5 16, डन. सो -2.5, एक्स लेस देन -2.5. एक्स नेचुरल नंबर्स में कौन से होते हैं? 1 2 3, ऐसा कोई भी नंबर बता दो जो -2.5 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए. नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना. -2.5 से छोटे नंबर यानी क्या होते हैं? -3 है, -4 है, उससे छोटे लेफ्ट साइड, बट नेगेटिव नंबर्स तो आते ही नहीं है नेचुरल नंबर्स में, राइट. सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन होता ही नहीं है पहली चीज़ तो, ठीक है. एंड कमिंग टू इंटीजर्स, -2.5 से छोटा, यहाँ पे देख लो ना, -2 -3 -4, ये सारे इंटीजर्स है, ये वाले है ना, डेसिमल्स को इंक्लूड नहीं करते. डेसिमल्स इंक्लूड कर रही है तो वो क्या हो जाएंगे? दे विल बी योर रियल नंबर्स. सो -2.5 यहाँ कहीं है, इससे छोटे, तो छोटे मतलब डोंट राइट -2 -3 -4 -∞. -2 नहीं आएगा इसमें, देख लीजिए -2 यहाँ पे, -2.5 यहाँ पे है,
और उससे छोटे चाहिए हमको, तो दैट विल ऑलवेज बी माइनस थ्री, ये सेट माइनस इन्फिनिटी से पूरा का पूरा माइनस फोर माइनस थ्री तक भी. गॉट इट? सो दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लीजिए. फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन, फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन व्हेन एक्स इज एन इंटीजर. एक्स इंटीजर भी है और एक्स रियल नंबर भी है, तब कैसे होगा? बहुत सिंपल है, माइनस थ्री को पहले हटाना है, नथिंग बट एड प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स, सिंपल बात. या फिर माइनस थ्री को ये साइड भेज दूँ तो क्या होगा? लेस देन सेवन प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है. और ये इंटू है सो डिवाइड बाई फाइव, यहाँ पे भी डिवाइड बाई फाइव, क्योंकि प्लस ना प्लस फाइव से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का सिंबल एज इट इज रहेगा. एक्स लेस देन सेवन प्लस थ्री कितना होता है? टेन. टेन डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव वन सा फाइव टू सा है वो, सो देर फोर यहाँ पे क्या होगा? एक्स लेस देन टू आ जाएगा. नाउ एक्स लेस देन टू जो भी नंबर्स है उनमें से इंटीजर्स पर्टिकुलरली, अगर एक्स एक इंटीजर है तो क्या होगा आंसर? टू से छोटे नंबर यानी वन जीरो माइनस वन माइनस टू सो ऑन. सो ये हो गया आपका आंसर फॉर फर्स्ट बिट व्हेन एक्स इज एन इंटीजर. व्हाट अबाउट व्हेन एक्स इज एन रियल नंबर? तो आप तब ऐसे नहीं लिख सकते हो इसकी तरह से कि वन फिर 0.99 फिर 0.08, ऐसे नहीं लिख सकते, यू कांट. सो रियल नंबर्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स, जो कि हमने सेट चैप्टर में सीखा है. अगर आप में से किसी ने भी वो लेक्चर वॉच नहीं किया, यू कैन वॉच इट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, तो ही वॉच करना. एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, डू नॉट गो एंड वेस्ट योर टाइम ऑन दैट कॉन्सेप्ट वंस अगेन, जस्ट रिकॉल इट एंड कम बैक टू दिस लेक्चर. एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होना चाहिए और एक्स लेस देन टू होना चाहिए, ठीक है. टू से छोटे पूरे माइनस इन्फिनिटी तक का सारा इंटरवल, इन्फिनिटी को हम हमेशा ओपन ब्रैकेट डालते हैं. व्हाट अबाउट टू? यहाँ पे हमें ओपन डालना है या क्लोजर डालना है ब्रैकेट? वेरी सिंपल, जहाँ भी आपको स्ट्रिक्ट लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मिलता है तो दैट सिंपली मीन्स ओपन इंटरवल, ठीक है. जब आपको इज इक्वल टू मिल जाए दैट मीन्स इंक्लूडेड एंड पॉइंट जो है ना, यहाँ देखिए लेस देन और इक्वल टू अगर मिल जाता तो टू भी इंक्लूडेड है, और इक्वल टू मिल गया तो आपको क्या करना पड़ता? इसे ऐसे लिखना पड़ता. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक्स लेस देन टू मिला है, देयरफॉर एक्स अगर रियल नंबर है तो आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल, माइनस इन्फिनिटी से टू बोथ ओपन इंटरवल, डन. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो आई गेस, इसी तीन क्वेश्चंस को फिर से वॉच करके यू कैन गो विथ द फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5-6 फॉर रियल एक्स. यानी कि यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया है कि एक्स कोई नेचुरल नंबर या इंटीजर नहीं है, बल्कि एक्स एक रियल नंबर है, फिर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर्थ वन, आपको होमवर्क है, नहीं समझ आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, विल जस्ट डील विद इट सून, ओके, नॉट ए बिग इशू. हाँ, 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन है. आपको क्या करना है? अगर x एक रियल नंबर है तो उसके आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा? वेरी सिंपल, पहले तो प्लस 3 को हटा दो, x x एक तरफ होने चाहिए नंबर्स एक तरफ, 5x जब ये तरफ आएगा तो क्या होगा? माइनस 5x लेस देन 7 प्लस 3 माइनस 3, ठीक है. वो एक्चुअल प्रोसीजर कैसा होता है? 4x प्लस 3 जो है ना, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटी बोथ साइड्स विद माइनस 3 करके लिखते हैं, देन 7 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 जीरो हो जाता है और ये 7 माइनस 3 ऐसे रह गया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 7 माइनस 3 क्या है 4. नेक्स्ट स्टेप में हमें x एक तरफ चाहिए तो हम क्या करते हैं, 5x को निकालना है ना, तो व्हाट यू विल डू, सब्ट्रैक्ट माइनस 5x ऑन बोथ साइड, 4x माइनस 5x लेस देन 5x प्लस 4 माइनस 5x, दोनों साइड भी आपने चेंजेस करने हैं, 5x 5x कैंसिल हो गया. सो 4x माइनस 5x कितना होता है, माइनस एक्स लेस देन 4. तो ये एक्चुअल प्रोसीजर ऐसा है, बट बिकॉज ये कैंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं. 5x को ये तरफ भेज दो, माइनस 5x हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ठीक है. 4 में से 5 जाएगा तो बहुत सिंपल है, जब भी आपको अपोजिट साइन मिलता है, एक प्लस और एक माइनस मिल जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर बड़ा नंबर जो है उसका साइन लिख दो. 5 में से 4 जाएगा तो 1 है, 1x, ठीक है, 1x, और सिंबल क्या लिखोगे, बड़ा नंबर क्या है 5, तो माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है. सो अब हमें सिर्फ x चाहिए, माइनस x नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी बाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, लेस 4
इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई। जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के सिंबल क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, सिंपल। सो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू वन इज एक्स, एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर। अब उन्होंने हेडिंग में ही दे दिया है कि एक्स इज ए रियल नंबर, सो एक्स माइनस फोर से बड़ा है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू तो नहीं है, देर फोर माइनस फोर से बड़ा, यानी कि माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, इट गोस ऑन टिल प्लस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो ऐसा है, यहाँ पे इज इक्वल टू सिंबल नहीं है, तो ये भी हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है। सो दिस योर क्वेश्चन नंबर फाइव। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन आप कर सकते हो, सिक्स तो आप कर लेना, ईजी है, ठीक है। सेवन तो समझिएगा, सेवन तो उन्होंने क्या दिया है, थ्री इंटू एक्स माइनस वन लेस देन और इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। सो दिस इज दे हैव गिवन यू थ्री इंटू एक्स माइनस वन। पहले तो आप सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करो पहले, थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस साइन, थ्री इंटू वन थ्री लेस देन और इक्वल टू टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री सिक्स। नाउ माइनस थ्री को वो तरफ भेज दो, प्लस टू को ये तरफ, सिंपल है, प्लस थ्री ऐड करो दोनों साइड में, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट। माइनस थ्री को जब आप भेज दोगे तो क्या होगा, लेस देन टू एक्स माइनस सिक्स, माइनस थ्री उस तरफ जाएगा तो प्लस थ्री होगा। नेक्स्ट टू एक्स को इस तरफ भेज दो, प्लस टू एक्स है तो ये तरफ आएगा तो माइनस टू एक्स होगा, माइनस सिक्स प्लस थ्री, थ्री माइनस टू वन, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस थ्री, ठीक है। ऑपोजिट साइन है तो पहले माइनस कर दो, सिक्स में से थ्री जाएगा तो थ्री, बड़े नंबर का साइन क्या है, सिंपल। और यहाँ पे बताया गया है कि एक्स क्या है, रियल नंबर है, जब एक्स रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो माइनस थ्री से छोटा, यानी कि माइनस थ्री माइनस इन्फिनिटी तक भी, और इसको तो ओपन ब्रैकेट, बट माइनस थ्री को देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, जब इज इक्वल टू आता है तो क्लोज्ड ब्रैकेट लिखना चाहिए, ओके। अगर किसी को भी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ वॉच द लेक्चर ऑन सेट्स चैप्टर, सेट्स चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट इंटरवल, बहुत ही बेसिक्स है, ठीक है। तो वॉच इट एंड फिर से अगर एक्सप्लेन करो तो फिर टाइम वेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एट, सिमिलर टू दिस वन है, आप कर सकते हो, लेट मी जस्ट ट्राई इट फॉर यू। मैं एक स्टेप कर देती हूँ, बाकी आप कर लो। थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई करो सिक्स, माइनस थ्री इंटू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू इंटू वन टू, माइनस टू इंटू एक्स। बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि ब्रैकेट में कोई नंबर है उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू विथ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर बेसिक्स ठीक नहीं है ना, तो फिर हायर मैथमेटिक्स आपको हमेशा ही नफरत ही होगी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही नफरत हो जाएगी, जब तक बेसिक ठीक नहीं है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ओके। सो या इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, सिक्स माइनस थ्री एक्स है, आपको क्या करना है, चलो यहाँ कर लेते हैं, माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स प्लस सिक्स है, इस तरफ भेज दिया क्या होगा, माइनस सिक्स, माइनस टू एक्स है इस तरफ भेज दिया क्या होगा, प्लस टू एक्स ग्रेटर देन टू माइनस सिक्स, ये तो चला गया ना ये तरफ, सो टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स क्या होगा, जब ऑपोजिट साइन होता है तो पहले तो माइनस कर लो, सिक्स में से टू जाएगा तो फोर, बड़े नंबर के पास क्या साइन है वो ला के लिख दो। नेक्स्ट टू में से थ्री जाएगा तो अगेन माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, लेकिन आपको एक्स चाहिए माइनस एक्स नहीं, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग विद ए नेगेटिव नंबर द इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्सेस, देयरफॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू फोर, दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया ना, माइनस वन फिर यहाँ भी माइनस वन, सो माइनस प्लस प्लस, लेकिन इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो गया, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फोर। अब जब एक्स लेस देन और इक्वल टू फोर है और रियल नंबर है, तो दैट इज लेस देन मतलब माइनस इन्फिनिटी कॉमा फोर, और ओपन इंटरवल नहीं लिखना है, इज इक्वल टू, सो दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। आई होप ये लिखना आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इफ यू डोंट नो प्लीज वॉच इट, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो बेसिक नंबर लाइन है जीरो वन टू थ्री फोर, फोर से छोटे सारे रियल नंबर्स, कैसे लिखोगे, फोर से छोटे यानी कि पूरे माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, उसी का मैंने लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके फोर तक, और फोर भी इंक्लूडेड है ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन, ओके कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी कर लेते हैं, टेन प्रॉब्लम्स तक करके फिर छोड़ देते हैं, एंड बाकी के विल जस्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ओके। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन, x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11
यहाँ पे आपको एलसीएम कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा और आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, ठीक है, आपको चैनल पे ही मिल जाएगी सारी क्लासेस। एलसीएम की एक क्लास है हिंदी में, कन्नड़ा में भी है, आप लोग हिंदी में वॉच कर लो, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, वन यहाँ कुछ नहीं है तो वन तो है, वन टू थ्री का एलसीएम क्या होगा, बहुत सिंपल है, सिक्स होगा, लेस देन इलेवन। अब वो सिक्स कैसे होगा, दैट यू हैव टू वॉच द लेक्चर, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन इट से। थ्री और टू है ना, सो वन टू थ्री, वन वन ज़ा, वन टू ज़ा, वन थ्री ज़ा, फिर टू वन ज़ा, ऐसे टू वन ज़ा, टू वन ज़ा, ये वन नहीं जाएगा ना, तो एज इट इज़ थ्री नहीं आएगा, टू वन ज़ा टेबल्स में, तो एज इट इज़ लिख लो, फिर थ्री वन ज़ा ले लो, थ्री वन वन एज इट इज़ लिखो, थ्री वन ज़ा थ्री, फिर क्या है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो सिक्स मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स बाई वन इंटू एलसीएम क्या है वो, एक्स बाई टू इंटू एलसीएम क्या है सिक्स, एक्स बाई थ्री इंटू एलसीएम क्या है सिक्स। डायरेक्टली लिख लेते हैं क्लास में, बट आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। आप जो भी वैल्यू है उसे लिखो और उसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, हर टर्म को। देन सिक्स एक्स प्लस टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा, ठीक है, टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा हो जाएगा, और ये थ्री वन ज़ा, ये थ्री टू ज़ा हो जाएगा। देन व्हाट यू विल डू, थ्री इंटू एक्स, दैट इज थ्री एक्स प्लस टू एक्स लेस देन इलेवन। डिविजन में पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इस तरफ भेज दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज नहीं होगा, क्यों, नेगेटिव नंबर होता है तो ही चेंज होता है, तो लिख लो। बाकी ऐड करो इसको, सिक्स प्लस थ्री प्लस टू कितना होता है, सिक्स थ्री, थ्री टू फाइव होता है, फाइव सिक्स इलेवन होता है, इलेवन एक्स लेस देन इलेवन इंटू सिक्स, सिक्सटी सिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड बाई इलेवन, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज एक्स इलेवन सिक्स है, एक्स लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स है, इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो एक्स की सारी वो रियल नंबर्स की वैल्यूज है जो कि सिक्स से छोटी है, सिक्स से छोटी यानी माइनस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू, और क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू सिंबल नहीं है तो दिस इज ओपन इंटरवल बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। सो माइनस इन्फिनिटी का सिक्स इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टेन, इस एक को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स बाई थ्री ग्रेटर देन एक्स बाई टू प्लस वन, डन। कैसे करोगे, अगेन बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, एलसीएम ले लो, वन और टू का एलसीएम क्या होता है, टू इंटू वन, वही है एक्स टू, फिर वन, ये कैसे एक्स ही आ गया, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, क्या करोगे, एक्स बाई टू इंटू एलसीएम क्या है टू, प्लस यहाँ पे क्या है वन बाई वन इंटू एलसीएम क्या है टू, टू टू कैंसिल, एक्स वन टू नहीं होगा कैंसिल, टू वन जा टू, समझे, नहीं समझे हो तो प्लीज स्लो इट डाउन, वॉच इट प्रॉपरली, समझ जाओगे, ठीक है। आई विल इवन गेट द पार्ट टू ऑफ एलसीएम, हाउ टू टेक द एलसीएम्स वगैरह के पार्ट टू क्वेश्चंस भी लाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ठीक है। एलसीएम जो मिलता है पूरे टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स लिखोगे, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा तो टू वन सा टू हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप ऐसे टू भेज दो, ये थ्री को इस तरह भेज दो, तो टू एक्स ग्रेटर देन थ्री इंटू एक्स प्लस टू हो गया। एनी कन्फ्यूजन्स, आई थिंक नो कन्फ्यूजन, टू एक्स ग्रेटर देन थ्री एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ब्रैकेट के अंदर थ्री टू ज़ा सिक्स, इसको इस तरह भेज दो, टू एक्स माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन सिक्स एज इट इज, टू में से थ्री जाएगा तो माइनस एक्स ग्रेटर देन सिक्स, हमें सिर्फ एक्स चाहिए माइनस एक्स नहीं, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन और यहाँ पे भी माइनस वन, बोथ साइड्स आपको बोथ साइड्स करना है, एक ही साइड नहीं करना है, दिस यू शुड रिमेंबर, ठीक है। सो एक्स क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन माइनस सिक्स, नाउ बिकॉज इट्स अ रियल नंबर लेस देन माइनस सिक्स, तो आप कैसे करोगे, माइनस इन्फिनिटी का माइनस सिक्स एंड इज इक्वल टू सिंबल नहीं है तो ओपन इंटरवल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस, आपको ठीक से समझ आ गए होंगे आई थिंक सो, और अगर नहीं समझ आए हैं तो प्लीज कॉमेंट डाउन, आई लेट यू अंडरस्टैंड, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ कॉमेंट कीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो यू जस्ट लेट मी नो कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसमें आपको समझ नहीं आया हो। वैसे तो आई एक्सप्लेन यू इन वेरी यू नो डीप वे एंड वेरी स्लोली एज वेल, आई थिंक कि स्लोली है, ओके। सो समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है एक्चुअली, बेसिक्स क्लियर हो तो अच्छा लगता है, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए यहीं के यहीं, एंड यहाँ पे कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं डाली है, सारे बेसिक्स एक्सप्लेन करके ही एक्सप्लेन किया है, सो फॉर दैट रीज़न
आपके लिए आई थिंक ईजी हुआ होगा. एंड इवन देन कोई ना कोई फॉल्ट रह गई हो तो डू फॉरगिव मी फॉर दैट वन, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एज आई ऑलवेज से, वी आर नॉट गॉड, सो इट्स वी आर बाउंड टू कमिट द मिस्टेक्स. यू हैव टू करेक्ट इट इफ देर इज एनी सच थिंग. प्लीज मैंशन द कॉमेंट सेक्शन कि कहीं पर भी कोई मेरे से गलती हो गई हो, पॉसिबिलिटी है बोलते वक्त कुछ और लिखते वक्त कुछ गलती से हो गया हो, तो कॉमेंट डाउन सो दैट आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके. ठीक है, एंड इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल जस्ट एज ऑलवेज से प्लीज हेल्प अदर्स एज वेल बाई शेयरिंग द वीडियो टू दोज फ्रेंड्स हु नीड दीज थिंग्स. ओके, और दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.